भारतीय जनता पार्टी गीता नगर मंडल के कार्य समिति की बैठक साहबगंज स्थित किराना अतिथि भवन में संपन्न हुआ। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, गीता नगर मंडल के अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, महामंत्री वैभव अग्रहरी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सदस्य दुर्गेश बजाज सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 2022 में प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मंथन किया गया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर संपर्क करेंगे और 2022 में प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और विधायक विपिन सिंह ने कहा, सुमधुर सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। भाषण के लिए मंडल अध्यक्ष आदरणीय रूपेश, महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय अतिथि से अनुरोध करेंगे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ओम प्रकाश अग्रहरी जी से निवेदन है कि भोला अग्रहरी जी को आगे रखते हुए गीता जो आप कितनों ही हिंदुस्तान के ऊंचे पद पर हो, अगर कोई कोर्ट में मामला आ जाए वो भी एक ही है। जय कमला उत्तर प्रदेश राम कृष्ण की भूमि है। सोशल मीडिया पे भी डालेंगे और जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम किए रहते हैं उस विषय पर बूथ समिति के साथ चर्चा करना वही हमारे बूथ समिति की बैठक मानी जाएगी।
इसको नियमित रूप से व्यवस्थित करने की जरूरत है। चुनाव की तैयारी आप देखिए, हर जगह हमारे यहाँ मंडल स्तर पर इसमें बैठक चल रही है और विकास इतने हो चुके हैं, बस जनता तक उनको पहुंचा देना है कि क्षेत्र में इतने कार हुए हैं, ये आपका पंपिंग स्टेशन बना है, इतना 32 किलोमीटर एक बंधा बना है, एक जरा 29 करोड़ से बना हमारा हावड़ बंधा है, नौसड़ में पराग डेयरी, फिर आपका नौसड़ में बस स्टेशन, नौसड़ से बाकागाड़ा फोर लेन, आपका भगुआ पारबेला बंधा हमारे वहाँ करीब 13 करोड़ से, वो पूरा लेपन 13 किलोमीटर, 17 करोड़ से बघई कटान स्थल पर बाढ़ बचाव कार्य, आपका चिड़ियाघर 279 करोड़ से बन के तैयार हुआ, प्रेक्षागृह आपका बन के तैयार हुआ, NSC गोरखपुर को मिली है, इतना बढ़िया नौकायन बन के तैयार हुआ है, और 84 करोड़ 86 लाख रुपये से हमारा तरकुलानी पंपिंग स्टेशन बन के तैयार हुआ, आपके रानी डीहा से कोनी तक सिक्टर होते हुए 13 करोड़ रुपए की लागत से वो भी हमारी रोड बन के तैयार हो गई है, आपके आज़ाद चौक से लेके कजाकपुर तक CC रोड बन गई है, दुर्गा चौक से आपके बड़गो तक रोड बन गई है, बड़गो से कजाकपुर रामपुर तक पूरी CC रोड बन गई है, और इस तरह से काम गिना नहीं सकते, एक एक गाँव में 7-7, 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर रोड बनी है इस योगी सरकार में, तो जनता तो मान ही रही। आप इस समय मुफ्त राशन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों को दे रहे हैं, आपका बिजली कनेक्शन मुफ्त हुआ, उज्ज्वला गैस के तहत गैस कनेक्शन, फिर आपको किसान सम्मान निधि, सबसे बड़ा मुद्दा आपको दादा है, एक एक गांव में 800-850 लोगों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये साल भर में मिला है, तो ये सब बहुत मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ी बात इसमें लैंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, गांव में कितनी शांति है, शहर में कितनी शांति है, योगी राज में माफियाओं का जो भी किला ध्वस्त हुआ है, जनता तो सुकून महसूस कर रही है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्य समिति के बाद सभी मंडलों की कार्य समिति चल रही है, कार्य समिति में जो पिछले कार्यक्रम पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं उनका अनुमोदन होता है कि वो ठीक से कार्यक्रम आयोजित हुए कि नहीं हुए, और आगामी जो कार्यक्रम पार्टी देती है उसका एक रोड मैप बना के देती है, तो कार्य समिति की बैठक में उस रोड मैप पे उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है, क्योंकि ये मंडल की कार्य समिति सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, आगे उनको क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे उनको व्यवस्थित रूप से सभी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। निश्चित ही हम सभी 2022 के चुनाव में इसी समय से अपनी पूरी तैयारी करके चल रहे हैं कि हम सभी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 400 सीटें जीतकर एक इतिहास बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।